नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 हमारे देश में चल रहा है, जिसका छठा चरण यानी कि कल 25 मई को होने जा रहा है। इसमें तमाम राज्य हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, ओडिशा है, पूरा का पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा। इन राज्यों में वोटिंग होगी। दोस्तों, मैं अपना एक ओपिनियन पोल आपको देना चाहता हूँ कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है और क्या कांग्रेस सत्ता में आ सकती है या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। देखो, सत्ता में तो वही पार्टी आएगी जिस पार्टी के 170 या 200 के समथिंग भी अगर सांसद जीत कराएंगे, वो पार्टी सत्ता में वापस कर सकती है। इसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस टाइम पे बीजेपी के 138 आए थे, कांग्रेस के 145 के आसपास सांसद थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी क्योंकि सबकी सब पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, यूपीए की गवर्नमेंट बनी, जबकि बीजेपी के उससे 7 कम सांसद आए थे। 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी के 116 आई लेकिन कांग्रेस 200 सीट लेकर चली गई, यानी कि और कांग्रेस सबसे बड़ा दल था इसलिए उसकी सरकार बन गई। आप तमाम बड़े से बड़े नेता का भाषण सुन रहे होंगे विपक्षी पार्टी का, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, इन सब ने अपने अपने ओपिनियन पोल आपके सामने रखे। किसी ने बोला बीजेपी 230 तक आएगी, किसी ने बोला 170 आएगी, 180 भी बोला। मेरे भाई, अगर बीजेपी 230 सीट लेकर आ जाएगी तो क्या आपको लग रहा है कि आप सरकार बना लेंगे? 230 सीट जिस पार्टी की आ जाएगी वो तो सरकार बना लेगी ना अपने दम पे। पता नहीं किस तरीके के आप भाषण दे रहे हैं विपक्षी वाले। चलो छोड़िए, कुछ आंकड़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। देखो, 4 बड़े राज्य हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। आप देखेंगे 3 ही राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, बाकी मोस्टली राज्यों में गठबंधन के थ्रू लड़ रहे हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 से एक दो ऊपर नीचे हुई, एक में 29 है, एक में 25 है, एक में 26 है। प्यारे दोस्तों, ये 3 राज्य ही डिसाइड कर देंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की बनेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है, गुजरात के अंदर कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे तो कांग्रेस 1 या 2 सीट जीत जाएगी, बाकी 27 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और बात अगर राजस्थान की करेंगे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बीजेपी को, एनडीए को नुकसान होने वाला है, तो मान के चलते 5-6 सीट का यहाँ पे नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन जो ये नुकसान होगा वो तेलंगाना हो गया या ओडिशा हो गया या जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ से एनडीए को फायदा मिल जाएगा। लेकिन ये जो 3 राज्य है ना, इनमें 80 जो सीटें हैं, अगर कांग्रेस 40 जीते और 40 बीजेपी जीते तो कांग्रेस के चांस बन सकते हैं या कांग्रेस आधे से ज़्यादा जीते। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी मात्र 10 जीतेगी और 70 सीटें शायद बीजेपी जीत जाए, जो पिछले आंकड़े बता रहे हैं। दोस्तों, इन तीनों के अलावा वो बाकी स्टेट्स में गठबंधन के थ्रू लग रहे। अब 4 बड़े राज्यों की मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो ये डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। उनमें पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, चौथे नंबर पर बिहार। उत्तर प्रदेश में 80 है लोकसभा की सीट, महाराष्ट्र में 48 है, आपका बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है। इन चारों राज्यों की जो सीटें हैं वो 210 बैठती है और इन चारों राज्यों में कांग्रेस मात्र 55 सीटों पर लड़ रही है, यानी कि 155 सीट पर तो आप फाइट ही नहीं कर रहे हो। जब आप 155 सीट पे फाइट नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसे बीजेपी को हराओगे? और जो ये 55 सीटें हैं ना, इन 55 सीटों में से जो 2019 के इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पे जीती थी, जबकि बीजेपी इन 210 सीटों में से 158 सीट पे फाइट कर रही है। भाई, कांग्रेस तभी तो सरकार बनाएगी ना जब वो 170 180 या 200 के आसपास सीट जीतेगी। आप इन हिंदी पट्टी के राज्य हैं, आप यहाँ पे कुछ चमत्कार नहीं करने वाले हो और आप कह रहे हो आप सरकार बना रहे हो। कहाँ की सरकार बना रहे हो? तमिलनाडु की बात कर ली जाए, 40 सीट आप 9 पे लड़ रहे हो। केरला में आप अकेले अपने दम पे कुछ जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आंध्रा में आप कुछ नहीं करने वाले हो। तेलंगाना में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी ना बन जाए,
कर्नाटका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान बीजेपी को 10 सीटों का हो जाएगा। यानी कि इन सारी बातों को अगर मैं ध्यान में रखूँ दोस्तों, तो मुझे ही लगता है कि बीजेपी की जो इस वर्तमान चुनाव में अगर नफा नुकसान होता है, अगर हिंदी पट्टी राज्य में उसे नुकसान होता है, तो वही नुकसान की भरपाई वो ओडिशा, बंगाल, आपका तेलंगाना इधर से कर लेगी। इस बार तो केरला और तमिलनाडु में भी उनकी खाते खुलने वाले हैं। तो जो मेरा आकलन है, जो मैंने अभी तक स्टडी किया है, मैं इतने दिनों से इस चुनाव को मद्देनज़र पूरा गूगल मैंने सर्च किया हुआ, 2004 का रिजल्ट मैंने सर्च किया, 9 का किया मैंने, 14 का किया, 19 का किया, मुझे लगता है अगर नफा नुकसान की बात की जाए, जो मेरा एक अपोनियन बोल रहा है, बीजेपी 270 सीट अपने दम पे जीतने वाली है। अब इन 270 सीटों में से बीजेपी अपने दम पे उसको प्लस 20 भी हो सकती है और माइनस 20 भी हो सकती है। यानी कि 270 में से अगर माइनस 20 करो तो उसको 250 भी आ सकती है, और 270 में से अगर आप प्लस 20 करेंगे तो 290 सीट भी वो जीत सकती है। और कांग्रेस अपने दम पर 78 सीट जीतने जा रही है। अब इनमें भी प्लस माइनस आप 20 कर लीजिए, या तो वो 20 कम जीतेंगे या 20 ज़्यादा जीतेंगे, और कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा ये ओपिनियन बोल है। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।